हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये टॉपिक स्टार्टिंग में रह गया था मेरे से गलती से, तो अब मैं इसकी वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहेगा, ठीक है। देखिए, न्यूटन ने जब लॉ दिया इसका विस्कोसिटी का, तो उसने ये कह दिया कि जैसे हम कहते हैं ना, बेटा वही होता है जो बाप की बात मानता है, ठीक है, जो मेरी बात मानेगा वही मेरा बेटा, ऐसे ही कहते हैं ना बाप। तो वो ये कह रहा है कि मेरे जैसी बात मानेगा, वो क्या कहता है, वो कहता है अ फ्लूड इज सेड टू बी न्यूटोनियन फ्लूड। उसे क्या कहेंगे, न्यूटोनियन फ्लूड ही कहेंगे उसे, न्यूटोनियन फ्लूड इफ शियर स्ट्रेस, जो शियर स्ट्रेस लगाएंगे, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। वो ये कहता है, देखिए इंग्लिश की भाषा होगी, अब हम अपनी भाषा पे आ जाएं। कि ये तो देखिए, जो सब्जेक्टिव पेपर वाले हैं वो मुझे थोड़ी कंप्लेंट ये करते हैं कि आप डेफिनेशंस नहीं देते हैं, ठीक है। तो उनके लिए डेफिनेशन भी आज मैं अब इसको आसान सी भाषा में समझाऊंगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि किसी चीज़ पे शियर स्ट्रेस लगा रहा हूँ और उसमें शियर स्ट्रेन आ रही है। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितनी मैं शियर स्ट्रेस लगाऊं उतनी ही शियर स्ट्रेन आए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो न्यूटोनियन फ्लूड बन जाएगा। अब ये किसके केस में है, फ्लूड के केस में है, ना कि सॉलिड के केस में नहीं है। अब सॉलिड में तो शियर स्ट्रेस, देखिए मैं अगर कोई वुड की चीज है, कोई आयरन की चीज है, उसको मैं अगर यहां फोर्स लगाता हूं तो कितनी देर तो वो रेजिस्ट करती रहती है कि मैं नहीं मुड़ूंगी। ये है, अब मैं इसको मोड़ना चाहूं तो ये मुड़ नहीं रही, अगर इसको मोड़ रहा हूं तो मुड़ नहीं रही, ठीक है। मैं इसको टेढ़ा करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये शियर स्ट्रेस इस पे लग रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा हमें, ठीक है, तो रेजिस्ट कर रही है। लेकिन फ्लूड्स क्या होते हैं, जैसे कि पानी की बात कर ले, कभी आपको पानी ने कहा कि मैं नहीं चलूंगा, आपने यहां से इसको धक्का मारा हो किसी चीज से, आपके पास मान लीजिए बड़ा पानी कहीं पे है, नहर है या कोई छोटा तालाब है, उसमें आप लकड़ी ऐसे फेर दोगे ना, तो ऐसे कहती पानी का ना मैं नहीं चलूंगा जी, ऐसे कहेगा पानी, नहीं ऐसा नहीं कहेगा। तो एयर है, मैं एयर में ऐसे हाथ करता हूं तो एयर आगे मूव करती है, तो जैसे जैसे शियर स्ट्रेस लगाऊं मैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का मतलब है du/dy, मतलब अब ये वाली चीज du/dy मैंने समझाया हुआ विस्कोसिटी वाले वीडियो में, पूरा समझाया हुआ है, उसमें मैंने ये बताया था कैसे कि यहां से डिस्टेंस बढ़ेगा, y बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और y बढ़ेगा तो और ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी, और y बढ़ेगा तो और ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी, du बढ़ता जाएगा। तो इसको जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो एक कॉन्स्टेंट आता है म्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, म्यू। तो हमारे पास म्यू क्या आ गया, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये हमारे पास ये आ गया। तो ये कहता है कि वही बंदा जो मेरी बात ऐसी मानेगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके रहेगा, शियर स्ट्रेस लगाऊं लग जाए, साथ क्या du/dy हमें मिल जाए, तो वो क्या फ्लूड कराएगा, वो न्यूटोनियन फ्लूड कराएगा, क्योंकि मेरा बेटा है, वो कहता है मेरा बेटा है, मैं अपना नाम दूंगा उसे, मेरी बात मान रहा है, ठीक है। अब अगर ये बात ना माने फ्लूड, तो ऐसे भी फ्लूड होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फ्लूड भी हैं जो इनकी बात नहीं मानते हैं, कि आपको फ्लूड को थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, उसके बाद वो हिलेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड कहेंगे। उसमें थोड़ी सी शियर स्ट्रेस पहले लगानी पड़ेगी। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं ना, देखो यहां पे मैं बना देता हूं, तो शियर स्ट्रेस लगाई और शियर स्ट्रेन मिल गई du/dy, यहां से थोड़ी सी स्ट्रेस लगाई, थोड़ी सी स्ट्रेन मिल गई, थोड़ी स्ट्रेस लगाई, थोड़ी स्ट्रेन मिल गई, थोड़ी स्ट्रेस लगाई, थोड़ी स्ट्रेन मिल गई, तो एक लीनियर लाइन बन गई इस तरह से। तो ये स्ट्रेस लगा रहे हो, स्ट्रेन मिल रही है, स्ट्रेस लगा रहे हो, स्ट्रेन मिल रही है, लगातार चल रहा है इस तरह से, ये चल रहा है। अगर कुछ ऐसा हो कि शियर स्ट्रेस लगाओ तो वो हिले भी ना,
यहां पे मैं स्ट्रेस लगाई, यहां जीरो स्ट्रेन आई नहीं, तो वो यहां पहुंच चुका है। फिर स्ट्रेस लगाई, फिर हिला ही नहीं वो। उसके बाद स्ट्रेस लगाने की जब कोशिश की तो आपने थोड़ी सी कोशिश की, स्ट्रेन मिल गया और ये पॉइंट आ गया और ये बढ़ गया। फिर तो ये शीयर स्ट्रेस जो मिला यहां पे, वो हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ गया, उसने रेजिस्ट किया। ऐसे फ्लूड भी होते हैं। तो वही बात कि पापा कहते हैं, है ना, दो बच्चे हैं, एक को कहा बेटा ये काम कर, फुट जल्दी से जल्दी आ गया, ठीक है, वो जल्दी से काम कर लिया उसने। और यहां से दूसरे बच्चे को कर ले, वो आगे से गेम खेल रहा है, पबजी खेल रहा है आराम से, और कह रहा है जा रहा हूं रुक जाओ अभी, तो वो रजिस्ट कर रहा है। तो जो बेटा बात मान रहा है वो न्यूटोनियन फ्लूड, और जो न्यूटन की बात नहीं मान रहा वो कहता मैं नहीं उसको कहूंगा, वो तो मेरा बेटा नहीं है, वो नॉन न्यूटोनियन बन गया। ये न्यूटोनियन और ये नॉन न्यूटोनियन बन गया। इसके बारे में पूरा देखेंगे, ठीक है, कौन से फ्लूड होते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। अब इसमें अगर मैं बनाऊं कि ये देखिए ये वाटर है, मान लेते हैं चलो वाटर है, तो अगर मैं स्ट्रेस देखो इतनी लगाई इतनी स्ट्रेन मिल गई, अगर थोड़ी स्ट्रेस लगाएं स्ट्रेन ज्यादा मिल जाए, यहां देखना पॉइंट, देखिए ये पॉइंट मिल जाएंगे, थोड़ी स्ट्रेस और लगाऊं और स्ट्रेन और ज्यादा मिल जाए तो ये लाइन, थोड़ी और स्ट्रेस थोड़ी ये पॉइंट देखे मिलते जाएंगे ना, इस चीज को समझते हो ना। अरे एक और चीज आपको ग्राफ सारे समझ आते हैं, सारे के सारे अजीब अजीब से ग्राफ आएंगे, चाहे पाई चार्ट ले लो, चाहे आप ग्राफ बार ग्राफ ले लो, जो मर्जी, लेकिन वो क्रिकेट में होना चाहिए तो सारे सारे समझ आते हैं। क्रिकेट में सारे ग्राफ समझ आते हैं, जैसे मर्जी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड दे दे, लेकिन यहां पता नहीं क्यों हो जाता है, क्या हो जाता है। तो ये गई, ये लाइन जो गई वो एयर की मान लेते हैं, कि एयर जो है वो और थोड़ा सा स्ट्रेस लगा वो स्ट्रेन ज्यादा मिल जाती है, वाटर में थोड़ा कम है। और ऑयल जो है मान लेते हैं ये ऑयल वाली लाइन आ जाएगी, ऑयल तो इसमें आप स्ट्रेस लगाओगे कम स्ट्रेन मिलेगी, यहां मिलेगी, और स्ट्रेस लगाओ थोड़ी सी स्ट्रेन मिलेगी, समझ लो क्या हो रहा है, और स्ट्रेस लगाओ थोड़ी सी कम स्ट्रेन, तो स्ट्रेन धीरे धीरे बढ़ रही है स्ट्रेस के मुकाबले, ठीक है। वो डिपेंड किसके पे रहा है, म्यू पे, म्यू पे डिपेंड हो रहा है। तो म्यू वही विस्कोसिटी का कोफिशिएंट है, जैसे हम उसको डालेंगे उस हिसाब से हमें ये लाइनें मिलेंगी। तो ये था हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, बड़ा ही इजी है और पेपर में कहीं ना कहीं एक लाइन में पूछ लेता है, ठीक है। जनरली अब टेढ़ी लाइन पे भी डिपेंड कर जाता है, अगर कई बार दो लाइन ऐसी टेढ़ी सी दे दें और आप में कोई भी पूछ लेना, ठीक है, एग्जाम में ये एयर है या ये वाटर है या ऑयल है, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे से, ठीक है। तो अगर वो कहे कि ऐसी लाइन बना दी, ठीक है, बनाने वाला कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, ऐसी बना दी, ये शीयर स्ट्रेस, ये शीयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन, ये बना दिया और तीन लाइन बना के दे दी, तो वो पूछ रहा है म्यू किसका ज्यादा है, म्यू की वैल्यू कोई दे दी, 0.2 दे दी, ऐसी कुछ भी लिख रहा हूं, 0.4 दे दी, म्यू की 0.6 दे दी। वो कहता है बताओ जी इनमें से ए बी सी किसके म्यू कौन सा है, तो आप बता सकते हो म्यू इसका सबसे कम होगा, 0.2 होगा, इसका 0.4 होगा, 0.6 होगा। म्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये लाइन ऊपर जाती जाएगी, ठीक है, समझ आ रही है, ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये चीजें समझ आती हैं तो बड़ा मजा आता है चीजों को समझने। और एक चीज यहाँ पे बड़ी मस्त देखने वाली है कि अगर मैं कहता हूं कि शीयर स्ट्रेस लगाऊं ही ना और स्ट्रेन मिल जाए, है ना, यहां पे ये मिल जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, वो आइडियल केस आ जाता है, आइडियल फ्लूड आ जाता है, आइडियल फ्लूड बन जाएगा वो। तो आइडियल फ्लूड में ये होता है कि विस्कोसिटी क्या कहता है, उसमें विस्कोसिटी ना हो, विस्कोसिटी हो ही ना, ठीक है। तो हम पढ़ते होते हैं ना इसके केस में, आइडल फ्लूड के केस में, तो हमारे पास क्या होता है कि विस्कोसिटी नहीं है, ये म्यू उसमें जीरो है, तो ये देखो म्यू जीरो से शुरू होगी लाइन, म्यू वन तक जाएगी इस तरह से। तो आप इन चीजों को ईजी वे से समझ सकते हैं, ठीक है, पढ़ें और उन चीजों को आम जिंदगी में देखें, तभी आपको मजा आने वाला है, ठीक है। आपको और मुझे अगर देखे, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेल्प हो रही है तो मुझे हेल्प कीजिए। फेसबुक पे मेरे साथ आप ऐड अप हो सकते हैं, नीचे मैं आईडी दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक कर लीजिए और मेरी वीडियो को जितना चाहते हैं उतना ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं आप,
ठीक है, ताकि मेरा चैनल भी सपोर्ट हो सके। थैंक यू सो मच।